स्वयं ढूंढ लेंगे, किसी और को क्यों दें? लाई नहीं। अब क्या हुआ? पहले दीजिए सच्ची मुच्ची। सच्ची मुच्ची? क्या सच्ची मुच्ची? सच्ची मुच्ची का वचन दीजिए कि आप मेरे गुड़िया को कुछ नहीं होने देंगे, और अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मुझे तुरंत समझ आ जाएगा। अच्छा, ये लो सच्ची मुच्ची का वचन। अबला ये क्या हुआ? क्या किया आपने? कुछ नहीं, मैंने अपने गुड़िया को नीचे गिर के टूटने से बचा लिया, बस यही हुआ। अवश्य हमारे नेत्रों को कोई भ्रम हुआ है। हमारे तो प्राण ही अटक गए थे। हाँ, मैंने बचा लिया आपके प्राण को पर दादू। वैसे आपकी बातों से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आप एक बालिका है। तो आपको ज्ञात हो गया मैं कौन हूँ? जी भली भांति ज्ञात हो गया है हमें कि आप कौन हैं। आप अम्माओं की अम्मा हैं। पदम्मा है आप, सबसे बड़ी अम्मा। वो तो मैं हूँ ही। बिल्ली, अब क्षमा कीजिए झिल्ली, हमें एक रात्रि का समय दीजिए, हम कल सुबह तक ये पहेली अवश्य सुलझा लेंगे। उचित है गुरुवर, एक रात्रि का समय। आज रात्रि ये तीनों मूर्तियां आपके पास रहेंगे, परंतु आपके पास कल प्रातःकाल तक का ही समय है। यदि कल प्रातःकाल तक आपने नहीं बताया कि इन तीनों मूर्तियों में क्या अंतर है, तो हम इसे राजगुरु के पद का अपमान समझेंगे। भगवान, कितना भयावह दृश्य है ये। भयावह कहाँ है, इसके नेत्र तो बड़े सुंदर हैं। तुम दोनों को कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ गुरुजी, एक आँख थोड़ी कम कपटी है, किंतु दूसरी आँख में तो कपट ही कपट भरा हुआ है, क्यों धनी? हाँ मनी। ना ना, इसकी आँखों में तो कहीं कपट नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों एक समान दिख रही है। हम गुड़ियों की नहीं, आपकी आंखों की बात कर रहे हैं गुरुजी। ऐसा प्रतीत होता है आपकी आंखें निकल के गिर जाएंगी। गुरुजी, आपका वास्तविक रूप दृष्टिगत हो रहा है, ध्यान से देखिए। वाह, बड़े मधुर विचार हैं आपके हमारे विषय में। आइए, इतना दुस्साहस कि तुम हमें कब दिखाओ, भस्म कर देंगे। मूर्ख, अब ये मूर्खों की तरह क्यों खड़े हो नालायको? ये खड़े खड़े इन गुड़ियों के नेत्रों को मत निहारो, सहायता करो हमारी। जी गुरुजी। ये ध्वनि कहां से आ रही? गुरुजी, आपका भयावह रूप देखकर कोई चुड़ैल आकर्षित हो गई है कदाचित। बच भी पाएंगे आप? ये देखिए, ये बालिका बाहर से जा रही थी, हम इसे अंदर ले आए आपके दर्शन हेतु। हमने सोचा कि इसे भी आपका आशीर्वाद मिल जाए तो इसका भी भला हो जाए। इस बुड्ढे का आशीर्वाद लेकिन इस बच्ची का?
भाग्य दुर्भाग्य में न परिवर्तित हो जाए मनी। वाह वरुण माला वाह, आपने तो हमारी संपूर्ण विपदा ही समाप्त कर दी। अब इसी बालिका से इन गुड़ियों के अंतर को ज्ञात कर लेंगे। हे भगवान ये बुढ़ा बच्ची से भी चाल चलेगा, सीधा नरक में जाएगा जाएगा। सुन ले भगवान, आओ बच्ची आओ हमारे समीप आओ, यहाँ बैठो। कितनी प्यारी बच्ची है, है? देखिए आप जो कहेंगी हम आपको देंगे, बस इतना बता दीजिए इन गुड़ियों में क्या अंतर है। चुप पाखंडी कह के। चिल्ली स्वामी को तो इसका उत्तर पहले से ही ज्ञात है, वो तो बस आपको परखने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी तो अपनी मंत्र शक्ति द्वारा कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना स्वामी? हाँ 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 अवश्य अवश्य, ये तो अति उत्तम है, तो कर लीजिए अपनी देवीय शक्ति से ज्ञात। गुरु जी गुरु माता को अंदर भेजिए, अन्यथा वो इस बच्ची से कुछ भी ज्ञात करने का अवसर नहीं देगी आपको। उसके पश्चात महाराज की क्रोधित दृष्टि से ना आपकी दिव्य दृष्टि भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी, कुछ कीजिए। वरुणाला आप क्या कर रही हैं? जाइए बालिका के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए। बिल्ली झिल्ली आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे हाँ मुझे मीठे मीठे आम का रस चाहिए, मीठे मीठे और खट्टे खट्टे बेर, खट्टे और उसके साथ कच्ची केले की घोटली, कच्चे और कुछ नहीं। ठीक है जाओ वरुणाला, बालिका ने जो जो कहा है सब लेकर आओ। हाँ चलिए हम आपको सब कुछ खिलाते हैं। इन्हें यहीं रहने दीजिए, आप जाइए प्रिय। हाँ कहिए, तुम जाओ और लेकर आओ। ये नहीं वो, वो क्या जो पहले कहा था स्वामी। अच्छा प्रिय प्राणेश्वरी तुम जाओ और लेकर आओ प्रिय जी। जाइए। नहीं मैं भी आऊंगी साथ। चलिए। अरे झिल्ली झिल्ली अब क्या करें? गुरुजी यूं शीश पर हाथ रख के शोक मनाने से कुछ नहीं होगा, जाइए बच्ची को पकड़िए। और पकड़कर बच्ची से ना गुड़ियों का रास्ते पूछिए, कुछ कीजिए गुरुजी। हाँ कुछ तो करना ही होगा। क्या चाहिए? लामा देखना लामा, ये तब मुझे तंग कर ले, मैं कल लातली को भी नहीं तोड़ा था और अभी भी नहीं तो पाला, इन लोग ने मेरी दंतियां भी ले ली। कोई बात नहीं गुड डब्बे, तुझे निद्रा आ रही है ना, चल तू मेरे कक्ष में चल के सो, आ जा। Yeah.
अरे नहीं माँ, जाने दो जाने दो, उठ गई तो जीवन दुभर कर देगी, आंधी का शांत रहना ही उचित है। हाँ जाने दो, उठा लो। अभी कहा ना शारदा, उठाना नहीं है। अरे इन्हें नहीं, सौगंध उठा लो कि कोतवाल को शीघ्र अति शीघ्र काल कोठरी से बाहर निकाले, अन्यथा हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे। देखो गुंडप्पा, तुम्हारी घंटिया मेरे पास है। लामा मेरी घंटिया। ओ कुछ करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आमरस बहुत मीठा था, पीते ही आनंद आ गया। आओ आओ बिल्ली। गुरुजी झिल्ली झिल्ली। हाँ झिल्ली, आपकी क्षुधा शांत हो गई ना, तो अब बताओ ना क्या भेद है इन गुड़ियों में। झिल्ली देखो, कोई तो संकेत दो कि इन गुड़ियों में क्या अंतर है। पर दादू पहले झूला झूला। अच्छा तत्तू झूला झूलाएंगे, झिल्ली झूला झूलेगी। तत्तू झूला झूलाएंगे, झिल्ली झूला झूलेगी। अब तो अंतर बताओ। इन गुड़ियों में वही अंतर है जो मनुष्य में होते हैं। मनुष्य में होता है अर्थात निद्रा। निद्रा, निद्रा का अंतर इन गुड़ियों में नहीं। पर दादू गुड़ियों की नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें निद्रा आ रही है। क्यों आ रही है? अच्छा देखो झिल्ली, सोने से पूर्व हमें बता दो ना क्या अंतर है इन गुड़ियों में। हम तुम्हें मिष्ठान देंगे। झिल्ली गुरुजी, अब चापलूसी का कोई फायदा नहीं। आपकी झिल्ली सो गई। गुरुजी सो गई? हाँ। वही अंतर है जो मनुष्यों में होता है, वही अंतर है जो मनुष्यों में अंतर। मिल गया, हमें मिल गया, हमें उत्तर मिल गया। रामा दंड मिला कोतवाल को, पर भुगत तो तू रहा है। हाँ बधू, पता नहीं सतनी और उसकी टोली को कब तक झेलना पड़ेगा। रामा इतनी धूप में क्यों चल रहा है, मुझ पर तो कृपा कर, इतना क्या विचार कर रहा है। जब तक तू कोतवाल को काल कोठरी से बाहर नहीं निकालता, तब तक तुझे और मुझे इसी तरह धूप में भटकना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो हमारे लिए अब कोई स्थान नहीं है। हाँ बंधु, अब तो केवल माँ ही हमारी सहायता कर सकती है। परंतु अम्मा तो स्वयं ही परेशान है। मैं काली माँ की बात कर रहा हूँ बंधु। हे माँ मेरी सहायता करो। मैं तो यही हूँ। तुमने मुझे पुकारा ना रामा, तो मैं आ गई। अरे मैं तो माँ को पुकार रहा था, तुम कहाँ से प्रकट हो गई? बात तो एक ही है ना। हाँ वैसे बच्चे भी ईश्वर का ही रूप होते हैं। तुम अत्यंत समस्या ग्रसित लग रहे हो रामा। हाँ तुम्हें हंसी आ रही है? अरे जो बला मुझ पर आन पड़ी है ना, तुम्हें झेलना पड़ेगा तो पता चलेगा। कष्ट ही सुख तक पहुंचने का द्वार होता है, यह विपदा भी टल जाएगी।
इतनी छोटी बच्ची और इतना गहरा ज्ञान। बाहरी रूप पर मत जाओ रामा, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे मन के भीतर क्या है, ना कि हमारा बाहरी व्यक्तित्व कैसा है। समझ गया। कहाँ गई? धन्यवाद माँ, मुझे मेरी विपदा का हल मिल गया। क्या हालत बना रखी है पंडित रामकृष्णा? पंडित रामकृष्णा, ये सब आप राज दरबार में क्या लेकर आए हैं? अब क्या बताऊं मंत्री, पर मेरी कथा ही यही है। महाराज कृष्ण देव राय की जय! 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 क्या बात है पंडित रामकृष्ण, प्रतीत होता है आज रात दरबार को आपने सब्जी मंडी में परिवर्तित कर दिया। सब्जी मंडी? क्षमा करें महाराज, घर पर बहुत सारे अतिथि पधार गए हैं, तो ये सामग्री लेकर घर पहुंचने में विलंब ना हो जाए, इसलिए मैं यहीं ले आया। एक तो बच्चों का इतना बड़ा समूह, उस पर वो मोटी। मोटी? कौन मोटी? मोटी नहीं महाराज, जो ज्योति 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 दीपक लाना भूल गया। आइए। महाराज कृष्ण देव राय की जय! महाराज कृष्ण देव राय की जय! बैठिए। गुरुवर जी। जी महाराज। झिल्ली की तीनों गुड़ियों में अंतर ज्ञात कर पाए आप? जी महाराज। अच्छा तो बताइए क्या है इनमें अंतर? महाराज इनमें वही अंतर है जो आप में, हम में और यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के मध्य। गुरुवर हम कुछ समझे नहीं, बात को स्पष्ट कीजिए। अवश्य महाराज, अवश्य। इन तीनों गुड़ियों को इनका कार्य ही एक दूसरे से पृथक करता है महाराज। हम आपको बताते हैं महाराज। धनी मनी इधर आओ। जी गुरु जी। ये लो। ये लो। महाराज ये धनी के हाथ में जो गुड़िया है इसे ध्यान पूर्वक देखिए। ऐसा प्रतीत होता है पूरे दिवस इसने कठिन परिश्रम किया है, कितनी कलांत दिख रही है। और हाँ इसके माथे पर देखिए, इसके माथे से तो स्वेद भी टपक रहा है महाराज, ये अवश्य कोई श्रमिक। मनी प्रतीत होता है कि विजयनगर से प्रस्थान करने का समय अब आ चुका है। हाँ धनी, अब हमें अपना डेरा कहीं और जमाना होगा। मनी के हाथ में जो गुड़िया है उसे ध्यान पूर्वक देखिए, इसके मुख पर कितना आराम, कितना गर्व है महाराज। ऐसा प्रतीत होता है इसे किसी वस्तु की अल्पता नहीं, ये अवश्य कोई अत्यंत समृद्ध व्यापारी है महाराज। और हाँ महाराज, अब देखिए ये हमारे हाथ में जो गुड़िया है इसे ध्यान पूर्वक देखिए महाराज, इसके मुख पर कितना तेज, कितना दिव्य आनंद है, ठीक वैसा ही जैसा हमारे मुख पर दिखता है। ये अवश्य कोई ज्ञानी पंडिताई है महाराज। गुरुवर क्या आप आश्वस्त हैं कि जो आप कह रहे हैं सत्य है? जी महाराज, पूर्ण विश्वास। अर्थात इन तीनों गुड़ियों में यही अंतर है? जी महाराज। पर दादू ऐसे कैसे हो सकता है? ये गुड़िया चेतन नहीं जड़ है, और इनके मुख पर कोई भी भाव कैसे देख सकता है आपको, और कैसा स्वेद? Thank you.
कौन व्यापारी, कौन पंडित और कौन श्रमिक। ये उचित नहीं है महाराज। हम उत्तर नहीं देंगे। हमें तो इस सांसारिक माया से परे रखे महाराज। हम स्वयं को इस प्रतिस्पर्धा से पृथक करते हैं। हाँ गुरुवर, पर दादू आपकी व्याख्या अनुचित है। अंतर बाह्य रूप में नहीं होता है। कृष्णदेव राय, मुझे तो लग रहा है अब आपको पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। आपके दरबार में एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अंतर को बता पाए। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे दरबार में? कोई भी नहीं। महाराज, पंडित रामकृष्ण आइए। महाराज, गुड़ियों में अंतर मैं बता सकता हूं। अद्भुत। अरे तो पंडित रामकृष्ण स्मरण रहे, ये हमारे दरबार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आपको उत्तर देना होगा और सही उत्तर देना होगा, अन्यथा आपका ये सारा राशन ले लेंगे और आपको एक पूरे माह तक भूखा रहना पड़ेगा। जो कार्य हम ना कर सके वो पंडित रामकृष्ण कैसे कर सकता है? गुरुवर, पंडित रामकृष्ण कर सकता है, अवश्य कर सकता है, आप नहीं कर सकते। उचित है महाराज, मुझे चुनौती स्वीकार है, किंतु यदि मैं विजयी रहा तो आप भी मुझे वो देंगे जो मैं चाहूंगा। अरे पहले गुत्थी तो सुलझाइए पंडित रामकृष्णा। हमें स्वीकार है पंडित रामकृष्ण। रामा तू तो विक्षिप्त हो गया है क्या? चुपचाप बैठता तो कम से कम कुछ तो खिला पिला देता हूँ ना बच्चों को। अब उत्तर नहीं दिया तो तुझे ही भूखा रहना पड़ेगा। चुप कर। कर क्या रहा है ये पंडित रामकृष्ण? महाराज, अंतर इनके बाह्य रूप में नहीं, इनके आंतरिक गुणों में। हम मनुष्यों की भांति। पंडित रामकृष्ण हम कुछ समझे नहीं, बात को स्पष्ट कीजिए। महाराज, इन तीनों गुड़ियों के कान में एक छोटा सा छिद्र है। ये देखिए महाराज, इस पहली गुड़िया के कान से जाता हुआ तार इसके मुंह से बाहर निकल रहा है। इस दूसरी वाली गुड़िया के कान से जाता हुआ तार इसके दूसरे कान से बाहर निकल रहा है महाराज। किंतु इस तीसरी वाली गुड़िया के कान से जाता हुआ तार इसके हृदय तक पहुंचकर बाहर ही नहीं निकल रहा। क्या कह रहा है पंडित रामकृष्ण? हमारी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। गुरु जी, आप तो अब रहने ही दीजिए, ये सब समझना आपके वश की बात नहीं है। पंडित रामकृष्ण, हम अभी भी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, आप विस्तार से समझाएंगे? जी महाराज, ये पहली गुड़िया उन लोगों का प्रतीक है जो कोई भी रहस्य अपने मन में दबाकर नहीं रख पाते। निम्न प्रवृत्ति के लोग जो भी कान से सुना सब कुछ मुंह से कह दिया। महाराज, ये दूसरी गुड़िया उन लोगों का प्रतीक है जिन पर किसी भी बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। मध्यम प्रवृत्ति के लोग जो भी एक कान से सुना दूसरे से बाहर निकाल दिया। और ये तीसरी गुड़िया उन लोगों का प्रतीक है जो हृदय से भले होते हैं, जो कोई भी रहस्य कोई भी भेद जीवन भर अपने हृदय में संभाल कर रख सकते हैं। क्यों,
सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। परंतु पंडित रामकृष्ण, इसका एक और अर्थ भी तो हो सकता है। वो क्या महाराज? ये जो पहली गुड़िया है वो बुद्धिमान लोगों को दर्शाती है, जो औरों की बातें सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो ज्ञान सभी के साथ बांटते भी। जो सुनते हैं वो अपने मुख से, अपने वाणी द्वारा वो औरों के साथ बांटते हैं। दूसरी जो गुड़िया है वो साधारण वर्ग के लोगों को दर्शाती है, जो आधी बात सुनते हैं, आधी बात समझते हैं और जो उनकी आधी अधूरी समझ होती है वही औरों में बांटते हैं। हमारे गुरुजी की तरह। और ये जो तीसरी गुड़िया है वो अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले लोगों को दर्शाती है, जो बात सुनते हैं, ज्ञान रखते हैं परंतु केवल अपने भीतर रखते हैं, उसे किसी के साथ बांटते नहीं। अद्भुत महाराज, अद्भुत। आपका दृष्टिकोण भी एकदम उचित है। ओ, तो इसका तात्पर्य ये है, जिसका जैसा दृष्टिकोण उसका वैसा वर्णन, अर्थात एक वस्तु के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। क्यों पंडित रामकृष्णा, चाहे वो शिल्प कला हो या चित्रकला। झिल्ली, आप कहना क्या चाहती हैं? जी महाराज, झिल्ली के कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी कला को देखने का हर व्यक्ति का दृष्टिकोण पृथक होता है, हर किसी की अपनी अलग व्याख्या होती है। कोई वस्तु आपको किसी तरह लगे तो वही वस्तु किसी और को कुछ और दृष्टिगत होती है। महाराज, इस समय आपकी आंखें मुझे देख रही हैं और मेरी आंखें आपको, बस दृष्टिकोण पृथक है, इसमें कुछ भी उचित या अनुचित नहीं है। अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी व्याख्या। वाह, सत्य है महाराज। क्षमा करें, कोतवाल का भी अपना दृष्टिकोण था आपकी कला को परखने का। मानता हूं उनकी वाणी थोड़ी कठोर थी, किंतु यदि उन्हें ज्ञात होता कि वो चित्र आपने बनाया है तब तो वो उसकी झूठी प्रशंसा ही करते। और महाराज, आप अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होंगे या सत्य जानकर उस सत्य को ज्ञात करने के बाद अपनी त्रुटियों का सुधार करेंगे? पंडित रामकृष्णा, हम आपके कथन को समझ भी गए और आपने जो व्याख्या दी उसे सहमत भी हैं। अब आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? मणि निश्चय ही एक महल मांगेगा। नहीं धनी, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मांगेंगी, देख लेना। चुप रहो मूर्खो, क्यों हमारे घाव पर नमक छिड़क रहे हो? पंडित रामकृष्णा, बताइए, नहीं संकोच बताइए, आप चाहते क्या हैं? महाराज, कोतवाल की रिहाई। कृष्णदेवराय, आपने रामा से सच्ची मुच्ची का वचन किया था, तो उसे पूर्ण कीजिए। मंत्रीवर, महाराज, कोतवाल को रिहा करके राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण। वाह रामा, आनंद आ गया, हाथियों के समूह से मुक्ति मिली गई। हाँ बंधु। पंडित रामकृष्णा, आप चतुर तो हैं, परंतु इस बार झिल्ली आपसे अधिक चतुर सिद्ध हुई है। झिल्ली, आप बताइए, हम आपको क्या दे सकते हैं? मुझे क्या चाहिए? मुझे बस आप सबका प्रेम और स्नेह। एक माँ और क्या चाहती है अपने पुत्रों से? माँ,
सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कृष्णदेव राय ने ही तो कहा था मैं आप सबकी बड़ी अम्मा हूँ, पदम्मा। अब मुझे जाना है। कल्याण हो। धन्यवाद पंडित रामाकृष्ण, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब एक उपकार आप भी मुझ पर कीजिए कोतवाल जी। कैसा उपकार? अपने 9 बच्चों और धर्म पत्नी को मेरे घर से ले जाइए। अवश्य अवश्य। धन्यवाद। आज हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि हम एक और अद्भुत चित्र का निर्माण करेंगे। आप सभी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस बार हम किसी को दंडित नहीं करेंगे। सत्य कह रहे हैं? अच्छा, झिल्ली वाला सच्ची मुच्ची का वचन भी देते हैं। परंतु मेरे पास धन है ही कहाँ, जो भी कमा कर लाता हूँ सर्वप्रथम तुम दोनों उस पर अपना अधिकार जमा लेती हो। पता है कितने दिवस हो गए मैंने एक नई धोती भी नहीं खरीदी है। क्या हुआ? अरे रुको, अरे ये क्या है? इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा अम्मा? अगर ये स्वप्न है तो मुझे निद्रा में रहने दो, बड़ा ही सुंदर स्वप्न है। बातें मत बना, ये स्वर्ण मुद्राएं यहाँ छुपा कर क्यों रखी है? अगर धन नहीं था तो ये आया कहाँ से? मुझे कैसे ज्ञात होगा? हरी स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिरा दी और तुझे ज्ञात ही नहीं है, और हम है कि एक एक स्वर्ण मुद्रा का हिसाब रखते हैं। माँ, मेरे पास तो केवल एक ही स्वर्ण मुद्रा है जो मुझे शारदा ने दी थी। महाराज तो पुरस्कार देते रहते, उन्होंने ही कोई पुरस्कार दिया होगा जिसके बारे में आपने हमें बताया नहीं। शारदा महोदया, महाराज मुझे दरबार में सबके सामने पुरस्कृत करते हैं, पूरे विजयनगर को ज्ञात हो जाता है जब भी मुझे पुरस्कार मिलता है। तो फिर ये आए कहाँ से? अरे मुझे क्या पता। क्यों रे गुंडप्पे, तेरे पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? आई नहीं लामा, मैंने बनाई है।
मेरा गुंडप्पा तो स्वर्णकार बन गया है। स्वर्णकार नहीं, चोर, चोर हो गया ये। झूठ बोल रहा है अम्मा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, रुक दो मैं दिखाता हूँ। लोहे के गोल टुकड़े के आगे और पीछे बत्ती तो नैला लंग लगाना होता है। मैंने तो बहुत ताली बनाई थी, पता नहीं कहाँ गिर गई। कितनी हानि हो गई। हाँ अम्मा, हमने सोचा था अधिक धन से हम ढेर सारी सामग्री खरीदेंगे, परंतु अब क्या लाभ। अच्छा, आपका मासिक वेतन कब आ रहा है? वेतन छोड़, ये बता कि महाराज तुझे पुरस्कार कब देंगे। अम्मा, इतना सब कुछ तो है हमारे पास, अब और किसी वस्तु की क्या आवश्यकता है। जितना हो कमी होता है और आपका वेतन कब बढ़ेगा? नहीं नहीं, वो तो शब्द केवल हमारे विचार तो अम्मा के है ना, है ना अम्मा? कहा था ना, कहा था अम्मा। उससे पहले तो मुझे ये बताओ कि इन स्वर्ण मुद्राओं के बारे में अम्मा से तूने ही मेरी शिकायत की ना? तू तू तो बोल रहा है कि ना मान जा। माँ, इतना धन होते हुए भी और अधिक धन का लोभ रखना उचित नहीं होता। धन की अति हो रही है। अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी वस्तु का अति होना उचित नहीं होता है। हाथ लगा, तुम मेरी मुद्रा पे खड़े। तेरी मुद्रा पे खड़ा है? हाँ जी खड़ा। वह तू दंड हो चुका है तू। तेरी वजह से मुझे इतनी डांट पड़ी और इतनी मार पड़ी अम्मा की। चल ये सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा और मुझे पोटली में भर के दे। अब मैं ऐसे अभी नगर के बाहर फेंक कर आता हूँ कुएं में। चल उठा जल्दी। ये वाली भी इधर। अम्मा, लामा तो लो तो ना। मैंने कितना पलित लम दलते तो अनमुद्लाय बनाई थी, वो तुए में बैठेगा उसको लो तो ना। चुप कर। नहीं मेरी मुद्लाय। प्रणाम। प्रणाम कोतवाल जी। प्रणाम। आपको ज्ञात है महाराज ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अब पंडित रामकृष्ण, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। प्रणाम गुरुवर। हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या बात है, आज आप एकाकी ही धनी मनी नहीं आए? हाँ वो किसी विशेष कार्य से गए हैं पंडित रामकृष्ण, और हमें भी उन्हीं की प्रतीक्षा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। आज एक अत्यंत विशेष अवसर, आज हमारी छोटी महारानी तिरुवलंबा का जन्मदिवस है। छोटी महारानी जी, आपके जन्मदिवस पर हमारी आपको अनेकों अनेक शुभकामनाएं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं छोटी महारानी जी। शुभकामनाएं महारानी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और इस उपलक्ष्य पर छोटी महारानी जी आप सभी को उपहार देना चाहती है। जी महाराज। ए बंधु। अरे रामा, कहीं महारानी के हाथों से बने मिष्ठान तो नहीं खाने होंगे? शिव 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 शिव, कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम। हम किसी व्यंजन का सेवन नहीं कर पाएंगे। व्रत है आज हमारा। गुरुवर, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। महारानी जी। जी महाराज, आइए। ये दुर्भाग्यशाली तो ये धनी मनी है,
जब भी कुछ विशेष मिलने वाला होता है दोनों अनुपस्थित रहते हैं। परंतु कोई बात नहीं, उनके भाग का भी हम ही ले लेंगे और हम ही रख लेंगे। लीजिए कोतवाल जी। धन्यवाद महाराणा, हम बड़े। लीजिए गुरुवर, हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है छोटी महारानी। धन्यवाद। अब छोटी महारानी जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो वो धनी मनी का उपहार भी आप हमें दे दीजिए, हम उन्हें दे देंगे, वो आज उपस्थित नहीं है, किसी विशेष कार्य से गए हैं। ये लीजिए गुरु। आयुष्मान। लो, आज शारदा और अम्मा तो प्रसन्न हो जाएंगे। ये लीजिए। क्षमा करें महारानी जी, परंतु मैं ये उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। सभी लोग तो इसे स्वीकार कर रहे हैं, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? महाराज का दिया हुआ सब कुछ तो है मेरे पास, अब और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है मुझे। हाँ, महाराज का दिया तो सब कुछ है ही महाराज, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। पंडित रामकृष्ण, छोटी महारानी जी इतने स्नेह से आपको उपहार दे रही है, स्वीकार कर लीजिए। महाराज, किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो धन ही क्यों ना हो। पंडित रामकृष्णा, आप छोटी महारानी का अनादर कर रहे हैं। हमने भी तो उपहार स्वीकार किया उनके हाथों से, आपके विशेष अंज मना कर रहे हैं। लगता है पंडित रामकृष्णा के पास धन की अधिकता हो गई है। नहीं गुरुवर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या कारण है पंडित रामकृष्णा कि आप ये उपहार स्वीकार नहीं कर रहे हैं? महाराज, बात तनिक व्यक्तिगत है। ऐसा क्या व्यक्तिगत है पंडित रामकृष्णा जो आप हम सबको नहीं बता सकते हैं? इतने दृष्ट हो गए हैं आप, कारण तक नहीं बता सकते हैं आप, और उस पर महारानी तिरुमलम्बा का अपमान भी कर रहे हैं आप। गुरुवर, हमारा अपमान हो गया? हो गया, कर दिया इन्होंने। महारानी चीना देवी, पंडित रामकृष्ण, छोटी महारानी जी सभी के लिए कितने प्रेम से उपहार लाई थी, आपने उसे अस्वीकार करके ना केवल उनका अपितु हमारा भी अपमान किया है। नहीं महाराज, मैं तो केवल इतना कहना चाहता था कि धन की अधिकता हानिकारक होती है। अधिकता? ये भेंट आपको धन की अधिकता प्रतीत हो रही है पंडित रामकृष्ण? महाराज, मेरे पास पर्याप्त धन है, मुझे अब और धन की आवश्यकता नहीं है। महाराज के धन की आवश्यकता नहीं? अहंकार आ गया है आप में पंडित रामकृष्णा, लगता है आपके पास धन की अधिकता हो गई है, घमंडी हो गए हैं महाराज जी, ऐसा प्रतीत होता है अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगे हैं। नहीं गुरुवर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये घमंड नहीं तो और क्या है पंडित रामकृष्णा, आपने महारानी तिरुमलम्बा का अपमान किया जी, हमारे निवेदन को अस्वीकार किया। महाराज, आप मेरी भावनाओं को समझे नहीं। तो अब हम आपको ना समझ लग रहे हैं। लज्जा आनी चाहिए आपको पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्णा, आपने हमारा निवेदन अस्वीकार किया, अब हम आपको आदेश देते हैं, और हमारा आदेश यह है कि आप इसी क्षण यहां से चले जाइए, आपका मुख देखना नहीं चाहते। नहीं नहीं महाराज। पंडित रामकृष्णा, आदेश है हमारा, इसका उल्लंघन करने पर आप दंड के पात्र हो सकते हैं। क्षमा करें महाराज,
हमें भली भांति ज्ञात है कि पंडित रामाकृष्णा उपहार लेने से मना क्यों कर रहे हैं। क्यों गुरुवर? महाराज, पंडित रामाकृष्णा को अब धन की आवश्यकता नहीं और ना ही आपके विशेष सलाहकार के पद की। आपका तात्पर्य क्या है गुरुवर? हम समझे नहीं, स्पष्ट कीजिए बात को। महाराज, ये एक ऐसा रहस्य है जो पंडित रामाकृष्णा ने सबसे छुपा कर रखा है। इसके हाथ में क्या है? हे भगवान, इतनी स्वर्ण मुद्राएं! कुएं में फेंक दी। कर क्या रहा है? स्वर्ण मुद्राएं तो दृष्टि खत्म हो रही है, लगता है कुएं के तल में चली गई। गुरु जी, आप छलांग लगाइए। हम आपकी सहायता करते हैं। सहायता, हटो हटो हटो। अरे मूर्खो, गुरु जी हमें तैरना नहीं आता। हमें कहां तैरना आता? इसीलिए तो कह रहे थे गुरु जी। क्या कहा? इसीलिए कह रहे थे गुरु जी कि कूदने की क्या हो सकता है, प्राण रहे तो आप तो स्वयं ही और मुद्राएं ठग लेंगे ना। पंडित रामाकृष्ण सारी मुद्राएं कुएं में फेंक दी, ये तो जानना ही होगा। कहीं कुछ संदिग्ध है जो पंडित रामाकृष्णा हम सबसे छिपा रहा है। ये आप क्या कह रहे हो गुरु? स्वर्ण मुद्राओं को कुप में फेंक दिया? हाँ महाराज, हम सत्य कह रहे हैं महाराज। हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा महाराज। अब आचार्य, क्या है कि अब आपकी आयु हो चुकी है, प्रतीत होता है कि आपके नेत्र जो है वो आपके कहने का तात्पर्य क्या है महामंत्री जी? आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि हम अलौकिक जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, इसीलिए हमारी दृष्टि और हमारी आयु अभी उज्जवल है। क्षमा चाहते हैं आचार्य। हाँ ठीक है ठीक है महाराज, मात्र हमने ही नहीं देखा, धनी मनी ने भी देखा और उसके पश्चात हमने पंडित रामाकृष्णा का पीछा किया। ओ, रोना बंद कर, चुपचाप अपनी घंटियों के साथ खेल। नहीं, मैं इनके साथ नहीं चलूंगा। अच्छा रोना बंद कर, चल तुझे दूसरी स्वर्ण मुद्राएं बनाकर देता हूँ। आजा। स्वर्ण मुद्राएं बनाकर देता हूँ, हमने सही सुना? गुंडप्पा से रामा ने यही कहा कि स्वर्ण मुद्राएं बना के देता हूँ। बालक के खेलने के लिए स्वर्ण मुद्राएं। चलो हम भी देखते हैं पंडित रामाकृष्णा ये स्वर्ण मुद्राएं कैसे बनाता है, परंतु चुप चुप कर। गुरुजी, पंडित रामाकृष्णा ने तो लोहे के सिक्के उठाए। हम भी देख रहे हैं, नेत्रहीन नहीं हुए, लोहे के सिक्के उठाए। चुप रहो मूर्ख। स्वर्ण मुद्रा और खेल जाके। पंडित रामाकृष्णा ने पत्थर से लोहे की मुद्राओं को स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित कर दिया। कैसे? हे भगवान, गुरुजी पारसमणि है, पारसमणि ऐसा कर सकती है? पंडित रामाकृष्णा के पास पारसमणि है। पारसमणि जी गुरुजी, पारस मणि वो अद्भुत चमत्कारी मणि है जिसे छूते ही लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। हमें भी ज्ञात है, हमने भी इस मणि के संबंध में सुना था, परंतु ये पंडित रामाकृष्ण के पास कैसे? हट।
कुएं को स्वर्ण मुद्राओं से भगा रहा है। हे भगवान, इतना धन, अपार धन आ गया पंडित रामकृष्ण के पास। क्यों काँव काँव कर रहे हैं? दोनों मूर्ख किस लिए हैं? धनी मणि जी, गुरु जी, काँव काँव करो, आप कर रहे हैं, कर कर। ये खिड़की के बाहर कौन है? मैं देख कर आता हूँ। अरे भागो भागो, महाराज कौवे को स्वर्ण मुद्रा फेंक कर भगाया। स्वर्ण मुद्रा? गुरुवर, क्षमा चाहता हूँ, परंतु आपकी बातें तो परिकथा जैसी प्रतीत हो रही हैं। वैसे ऐसा कोई पत्थर होता ही नहीं जिससे कि इतना धन प्राप्त हो। हाँ मंत्री जी, आप भी हमें क्षमा करें, आपके अल्प ज्ञान पर हम लज्जित हैं। आप जानते हैं स्वर्ग में भगवान इंद्र के पास से कल्प वृक्ष है, जिसे जो मांगो हर वस्तु प्राप्त होती है। कामधेनु गाय है, जिसे जो मांगा जाता है मिलता है। चिंतामणि है, जो आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। वैसे ही धरती पर पारसमणि होता है, जो लोहे को सोने में परिवर्तित कर सकता है। वही पारसमणि पंडित रामकृष्ण के पास है। हम सत्य कह रहे हैं महाराज, पंडित रामकृष्ण के पास अपार धन आ चुका है महाराज। उन्होंने हमें बहुत मारा, पकड़ पकड़ के मारा गुरुजी। हमने गुरुजी को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। हमको ढूंढा? शांत हो जाइए। अब दोनों की अवस्था कैसे हुई? पंडित रामा कृष्णा के कारण। पंडित रामा कृष्णा? पंडित रामा कृष्णा के कारण? जी महाराज। अरे तुम रो क्यों रहे हो? मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा। अच्छा रुको, तुम इन स्वर्ण मुद्राओं के साथ खेलो। पंडित रामकृष्ण इतना धनवान हो गया, खेलने के लिए बालक को दो स्वर्ण मुद्राएं दे दी। धनमणि, बालक से स्वर्ण मुद्रा लेकर आओ। गुरुजी, छोटा सा बालक है वो, उसके पास केवल दो स्वर्ण मुद्राएं हैं गुरुजी। अरे मूर्खों के मूर्ख, बूंद बूंद से सागर बनता है। जाओ इस बालक से स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, हमें पंडित रामकृष्ण की बनाई हुई स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। जैसे आप क्या क्या जाओ। लालची ये बुड्ढा है ना, जानता है कि नंबर। ए, बालक, ये मुद्राएं हमें दे दो। नहीं, ये मेरी है। हमें दे दो। दे दो बेटा, दे दे दो। मैं मां ले लो 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 ले लो। रुको रुको, क्या छीन रहे हो? कुछ नहीं कहा, हम तो बच्चे के साथ खेल रहे थे। तो बच्चा रो क्यों रहा है? इन्होंने मेरी स्वर्ण मुद्राएं छीन ली। दिखाओ दिखाओ। गुरुवर? धनी मनी, आपकी ये दुर्दशा गुरुवर के कारण हुई है। ना तो गुरुवर आपको उस बच्चे से स्वर्ण मुद्रा लाने को कहते, और ना ही आपकी ये दुर्दशा होती। देखिए महामंत्री जी, हम वो स्वर्ण मुद्राएं साक्ष्य के लिए लाना चाहते थे। जी महाराज, हम चाहते थे वो स्वर्ण मुद्राएं आप सब देखें। और मुद्दा ये नहीं है कि धनी मनी पिटे, मुद्दा है पारसमणि। समस्या पर नहीं, समस्या के कारण पर ध्यान केंद्रित कीजिए महामंत्री जी। ना पंडित रामकृष्ण वो स्वर्ण मुद्रा बालक को देते, ना हम धनी मनी को वो स्वर्ण मुद्रा वापस लाने को कहते, और ना इनकी ये दशा होती। देखिए महाराज, आप विजयनगर राज्य के राजा हैं, और वो पारसमणि इस दरबार में शोभायमान होनी चाहिए। विचार कीजिए, कितने लोगों का भला हो सकता है, कितना दान दे सकते हैं आप अपनी प्रजा को, समस्त महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकते हैं।
महाराज आपका राज्य है स्वर्णिम राज्य बन सकता है। महाराज वो पारस मणि तो आप ही के पास होना चाहिए। महाराज हम स्वयं पंडित रामकृष्ण से पूछेंगे कि यदि उनके पास पारस मणि होगा तो वो आपको दे देंगे। होगा होगा क्या है, पारस मणि उन्हीं के पास है। और ये बात पंडित रामकृष्ण ने समस्त विजयनगर से छिपाई क्योंकि उनके हृदय में चोर है। वो पारस मणि नहीं देंगे। महाराज हमारे विचार से आप अभी इसी क्षण पंडित रामकृष्ण के घर में तलाशी का आदेश दीजिए और पारस मणि प्राप्त कर लीजिए। महाराज वो हरे नीले रंग का पत्थर है। गुरुवर क्या कहा आपने, वो पत्थर हरा नीला? जी महाराज, आप धनी मणि से पूछ लीजिए। महाराज शीघ्र पारस मणि को प्राप्त कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो पंडित रामकृष्ण वो पत्थर लेकर विजयनगर से पलायन कर जाएं। मंत्रीवर, महाराज आप सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर पंडित रामकृष्ण के आवास पर जाइए और वो पारस मणि हमें लाके दिखाइए। महाराज आप भी ऐसी बातों पर विश्वास करेंगे तो? मंत्री जी, यदि आचार्य तथाचार्य हमसे ये कह रहे हैं तो इसमें कोई तो सत्यता होगी, अन्यथा ये हमें क्यों बताते हैं? और आपने भी देखा पंडित रामकृष्ण के व्यवहार को, उन्होंने महारानी तिरुमल्लम्मा की भेंट को अस्वीकार किया है। अब जाइए उनके आवास पर और वो पारस मणि लेकर आइए। महाराज बिना सत्यता प्रमाणित किए हुए हम पंडित रामकृष्ण पर यूं आरोप लगाए ये उचित नहीं है। महाराज उचित तो सर्वप्रथम आप सत्यता प्रमाणित कीजिए। ना ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं महामंत्री जी, आप निश्चिंत हो जाइए। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि हम तो मिथ्याभाषी हैं, तो कोई बात नहीं हम चलते हैं आपके साथ। सर्वप्रथम आप स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए। अवश्य। महाराज आज्ञा दीजिए। उठो। हे भगवान, राजमहल में जो भी घटित हुआ लगता है इन्हें पता चल गया। इधर आ। आइए आइए, आज इतनी जल्दी लौट कर आ गए। वो महाराज ने ये त्यातिया लामा महाराज से नाम तो ले लिया है। हम विजयी हो गए, हम विजयी हो गए। तुम विजयी हुई अर्थात? अम्मा आप बताइए। अरे हम विजयी हुए हैं, आप बताइए। अरे कोई मुझे भी बताएगा क्या हुआ है? मैं तमदाता हूँ। तमदा, इन दोनों के बीच में तत लगी थी, अगर तूने आके माला का नाम लिया तो थालता दी देगी और अम्मा तुझे बोलेगी, और यदि तूने लात गुलिया फिर धनी मनी बोला तो अम्मा देती गई और तालदा तुझे बोलेगी। लेकिन तूने माला का नाम ले लिया इसलिए तालदा दी गए, अब अम्मा तुझे बोलेगी। बोले दीत्या, क्या बोलेगी? तेरे कारण गुंडप्पा ने पूरे घर में स्वर्ण मुद्राएं बिखेर दी हैं, कि नीचे तो हाथ भी नहीं जा रहा, अब कहां कहां से निकाले। ओ, प्रतीत होता है इन्हें पता नहीं कि राजमहल में आज क्या हुआ। उठा लो। क्या? झाड़ू उठा लो और पूरा घर सर्च करना आराम करो। इस गुंडप्पे से कहो इसी ने घर में स्वर्ण मुद्राएं बिखेरी है। नहीं, वो हमारे साथ गृह सामग्री लेने जा रहा है। मैं इस घर का स्वामी होकर घर स्वच्छ करूंगा। हे स्वामी, स्वर्ण मुद्राएं आप ही ने बनाई है ना? हाँ। तो झाड़ू लेके घर स्वच्छ भी आप ही कीजिए। चलो अम्मा। हाँ ठीक है, जाओ सबके सब जाओ, घर में थोड़ी देर शांति तो रहेगी। देखिए देखिए देखिए, पंडित रामकृष्ण का परिवार बाजार जा रहा है, अब जाएंगे क्यों नहीं, घर में स्वर्ण मुद्राओं का भंडार जो है कहीं ना कहीं तो व्यय करेंगे ही। ये देखिए झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। ये पंडित रामकृष्ण ये रहस्य किसी को बताना नहीं चाहता है, इसीलिए घर में सेवक नहीं है, स्वयं झाड़ू मार रहा है। देखिए देखिए, क्यों अब विश्वास हुआ आपको? हम जो कहते हैं सत्य कहते हैं, बड़ा विश्वास करते हैं आप पंडित रामकृष्ण पर,
स्वयं देख लीजिए अपने नेत्रों से, पूरे घर में स्वर्ण मुद्राएं बिखरी पड़ी हैं। चंबित तो हम भी हैं आचार्य, एक काम करते हैं, अंदर चलकर हम स्वयं बात करते हैं। हाँ, अभी नहीं, रात्रि में सैनिकों के साथ आएंगे और पंडित रामकृष्ण के घर की तलाशी लेंगे। परंतु आचार्य, रात्रि में क्यों? महामंत्री जी, ये बड़े चतुर हैं, अभी कोई ना कोई चतुराई करके बच जाएंगे। परंतु इस बार हम इन्हें बचने नहीं देना चाहते। ठीक है आचार्य, जैसा आप उचित समझे। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे पंडित रामकृष्णा, इस बार हम तुम्हारी वो दुर्दशा करेंगे किसी को भी विजयनगर में मुख दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हरे नीले रंग का पत्थर है, महारानी संभाल के गिर ना जाए वो। संभाल। महाराज, ये है चटनी बनाने वाला विशेष पत्थर। परंतु महाराज, आपको इस पत्थर की क्या आवश्यकता है? आपको भी इसकी चटनी बनानी है क्या? नहीं, हमें चटनी नहीं बनानी है। आप ये बताइए कि आपने इस पत्थर का किसी धातु पर प्रयोग किया है कभी? धातु पर? ये तो अत्यंत ही उत्तम उपाय है। हमने तो आज तक फल और सब्जियों की चटनी बनाई है महाराज, कभी धातु की चटनी बनाने का तो प्रयास ही नहीं किया। आज हम इसका प्रयोग ना धातु की चटनी बनाने के लिए करते हैं। आप बताइए, आप स्वर्ण की चटनी खाएंगे या रजत की चटनी, या फिर हम आपके लिए कांसे की चटनी बना दे? नहीं महाराज, कांसे की चटनी खाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, आप इनके लिए स्वर्ण की ही चटनी बनाइए। क्यों महाराज? नहीं नहीं, हमें कोई चटनी नहीं खानी है, आप ये पत्थर हमें दीजिए। महारानी चिन्ना देवी, आपके पास लोहे के आभूषण होंगे? हमारे पास लोहे के आभूषण? वे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति पहनता है महाराज। कौन? कारागृह में बंद अपराधी। अवश्य, आप लोहे की कुछ वस्तुएं लेकर आइए। परंतु महाराज, आप लोहे की वस्तु का करेंगे क्या? महाराज, आपको लोहे की चटनी खानी है? नहीं, चटनी नहीं, चमत्कार। चमत्कार? चमत्कार? आप दोनों लोहे की वस्तुएं लेकर तो आए, फिर हम आपको दिखाते हैं चमत्कार। उचित है महाराज, अभी लेकर आते हैं। आइए लेकर आते हैं। दोल मुझे टक्कर ला ले, दोल दोल। करेगा बदमाशी? नहीं बाबा, दोल मुझे टक्कर ला ले। गिरा दो। नहीं नहीं नहीं। चलिए आचार्य, अभी छापा मारते हैं। नहीं अभी नहीं, पंडित रामकृष्ण सोने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वो निद्रा में जाएंगे वैसे ही छापा मारेंगे। अरे तुम्हारे लिए तो नीम की पत्तियां जलाकर लाया हूं ना, तुम्हें मच्छर काट रहे थे। उठा लो,
क्या हांडी? हाँ बिल्कुल सही समझे, हमारे कक्ष में भी बहुत मच्छर हो रहे हैं, जाके वहाँ भी धुआं कर दीजिए। मैं एक कार्य करता हूँ, पूरे घर में इस हांडी को घुमा देता हूँ, सारे मच्छर अपने आप भाग जाएंगे। मैं धुआं उड़ाता हूँ। नहीं, तू बालक है, हांडी में जलते हुए कोयले हैं, तेरा हाथ जल जाएगा, सब गिर जाएंगे। मैं बालक नहीं हूँ, पुलुत तो मैं पुलुत। चल बड़ा पुलुस पुलुस। लामा तोरे में अच्छा लजीक छुपते, तोरे में धुआं धुमा। तोने में? अच्छा कोने में। डब्बे, वैसे तू भी कभी कभी पुलुषों की तरह अर्थात पुरुषों की तरह बातें करता तो है, बहुत अच्छे, आजा। ये कोने में घुमाया। ये लीजिए महाराज, लोहे की वस्तुएं। पत्थर को ना इन पात्रों पे अच्छे से घिसेगा, चटनी तभी बनेगी। इस स्वर्ण में परिवर्तित क्यों नहीं हो रहा है? परंतु आपको स्वर्ण में क्यों परिवर्तित करना है महाराज, हमारे पास तो स्वर्ण के इतने सारे पात्र हैं। नहीं, इस पत्थर को इस पर घिसने से ये स्वर्ण में परिवर्तित होना चाहिए। परंतु महाराज, लोहे की वस्तुएं स्वर्ण में कैसे परिवर्तित हो सकती हैं? और वो भी एक पत्थर घिसने से। आचार्य तथाचार्य की जानकारी के अनुसार ये पत्थर बिल्कुल पारसमणि की भांति प्रतीत होता है, और संभवतः पंडित रामकृष्ण के पास भी ऐसा एक पत्थर है जिसे वो साधारण वस्तु पर घिसते हैं और उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। पंडित रामकृष्ण, हमें आपसे इस पारसमणि का रहस्य जानना ही होगा। वो पारसमणि तुम्हारे पास है पंडित रामकृष्ण। ये सूचना आपको किस मूर्ख ने दी गुरुवर? मूर्ख कहने की क्या आवश्यकता है भले मानस को? क्योंकि आपके उस भले मानस से अवश्य ही कोई त्रुटि हुई है, क्योंकि मेरे पास कोई पारसमणि नहीं है। ना, झूठ बोल रहे हैं। हमने स्वयं देखा है तुम्हें लोहे की मुद्रा को स्वर्ण की मुद्रा में परिवर्तित करते हुए। कब? रात है। ये गुंडा अब डप्पा ये उन स्वर्ण मुद्राओं से क्रीड़ा कर रहा था। अच्छा, वो स्वर्ण मुद्राएं। आप उन स्वर्ण मुद्राओं की बात कर रहे हैं? वो स्वर्ण मुद्राएं, वो तो ना शारदा, जब एक महान विद्वान ज्ञानी महापुरुष एक तुच्छ प्राणी से बात करें तो बीच में नहीं बोलते। मैं बात कर रहा हूँ ना पंडित रामकृष्ण। मंत्रीवर, हम ये चाहते हैं कि आप स्वयं वो पारस मणि हमें दे दें। मंत्रीवर, वो क्या है कि मुझे स्मरण नहीं आ रहा कि वो पारसमणि कहाँ रखी।
आप एक कार्य कीजिए, आप कल पुणे आ जाइए, मैं स्मरण करके बताता हूँ। नहीं, स्मरण नहीं करेंगे पंडित रामकृष्ण, पारस मणि को लुप्त करेंगे। हम अभी इसी क्षण आपके घर की तलाशी लेना चाहते। लीजिए, अभी लीजिए, इसी क्षण लीजिए, पूरा घर आपके समक्ष है गुरुवर। महामंत्री जी। जी आचार्य। कृपया सैनिकों को आदेश दीजिए। सैनिकों, जाओ जाकर इस घर का कोना कोना छान मारो। पारस मणि इसी घर में नहीं मिलेगा, अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य यह है आचार्य कि अवश्य मिलेगा। जाइए। देखा बुड़ो को, पंडित रामकृष्ण के घर पर तलाशी लेते हुए बुड्ढा कितना प्रसन्न हो रहा है। आचार्य तथाचार्य की जानकारी के अनुसार ये पत्थर बिल्कुल पारस मणि की भांति प्रतीत होता है, और संभवतः पंडित रामकृष्ण के पास भी ऐसा एक पत्थर है जिससे वो साधारण वस्तु पर घिसते हैं और उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु महाराज, हमारे राज्य में तो इतना सारा स्वर्ण है, फिर आपको इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं छोटी महारानी, जिज्ञासा है। ये सब हम अपने स्वार्थ हेतु नहीं कर रहे हैं, हम इतने लोभी नहीं हैं। यदि ये सत्य हुआ तो हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, सब धनवान हो जाएंगे। परंतु गुरुवर का कथन सत्य है कि नहीं, ये प्रमाणित करने हेतु हमें ये प्रयोग करना होगा। ये तो अति उत्तम विचार है महाराज, हम भी प्रयत्न करते हैं। आइए, लाइए, हमें दीजिए। महामंत्री जी, पारस मणि नहीं मिला। मैंने तो पहले ही कहा था, पारस मणि है ही नहीं। हम जानते हैं पंडित रामकृष्ण की पारस मणि आप ही के पास है, हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है लोहे की मुद्राओं को स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित करते हुए। और हमने ही नहीं देखा, महामंत्री जी ने भी देखा है, संध्या के समय हमारे साथ आए थे आपके घर में, यहाँ वहाँ इधर उधर वो स्वर्ण मुद्राएं बिखरी पड़ी थी, आप झाड़ू लगा रहे थे, उन्हें एकत्रित कर रहे थे और टोकरी में डाल रहे थे। अरे रे, अब आप लोगों को ज्ञात हो ही गया है कि मेरे पास पारस मणि है, तो झूठ बोलने से क्या लाभ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास पारस मणि है। देखा 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 महामंत्री जी, देखा। किंतु आप कृपया महाराज को ये संदेशा दे दें कि उन्हें पारस मणि कल मिल जाएगी। कृपया मुझे एक रात्रि का समय दे दे। बस नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा पंडित रामकृष्ण, महाराज का आदेश। हे पंडित रामकृष्ण, क्या हो गया? अम्मा, शायद मेरी सहायता करो। अब बिठा दीजिए, मैं बिठा दीजिए यहाँ पर। पंडित रामकृष्ण, आप ठीक तो हैं? पता नहीं मंत्री, पता नहीं। प्रपंच कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण, पारस मणि नहीं देना चाहते, समस्त रात्रि स्वर्ण निर्मित करेंगे। ना ना गुरुवर, ना ना। पंडित रामकृष्ण, आप विश्राम कीजिए, हम आपको आज रात्रि तक का समय देते हैं। धन्यवाद मंत्रीवर। परंतु महामंत्री, आप पंडित रामकृष्ण के लिए चिंतित ना होइए, पंडित रामकृष्ण पुनः दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। सैनिकों, चलो। ठीक है पंडित रामकृष्ण, जितना स्वर्ण निर्मित करना है कर लो, एक रात्रि का समय है तुम्हारे पास।
केवल एक रात्रि पंडित रामाकृष्णा। हाँ धन्यवाद गुरुवर। अम्मा, अम्मा, आ, गए मूर्ख। अरे ओ, तुम्हें क्या हो गया? घर की तलाशी ली तो क्या हुआ? इसलिए नहीं, आपके पास पारस मनी और आपने हमें भी इस बारे में नहीं बताया। शारदा महोदया, मेरे पास पारस मनी नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं, अभी सबके सामने आपने कहा था आपके पास पारस मनी है। है मेरे पास पारस मनी है, बस है। और आपने हमसे झूठ बोला, आपने हमें भी नहीं बताया। कल महाराज के साथ साथ तुम लोगों को भी ज्ञात हो जाएगा कोई ना कोई प्रपंच रचते रहते हैं गुरु। हमने सुना था कि पारस मणि को जागृत करना पड़ता है मंत्र पढ़कर। इस पत्थर को किसी भी वस्तु पर घिसने से पहले मंत्रोच्चार करना पड़ता है, तभी ये काम नहीं कर रहा था। परंतु महाराज, पारस मणि एक काल्पनिक वस्तु है, ऐसा कोई पत्थर नहीं होता। होता है महारानी चिन्ना देवी, होता है, है पंडित रामकृष्ण के पास भी है। स्वयं आचार्य तथाचार्य और मंत्रीवर ने अपने नेत्रों से देखा है। परंतु महाराज, यदि पंडित रामकृष्ण के पास ऐसा कोई भी पत्थर होता तो वो आपको इस संदर्भ में अवश्य ही सूचित करते। यही तो दुविधा है, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। परंतु महारानी चिन्ना देवी, आपको ज्ञात नहीं ये पत्थर चमत्कारी पत्थर है? सत्य कह रहे हैं? हाँ हम मानते हैं, हमने ये परी कथाओं में सुना है, परंतु हम गुरुवर की बातों को भी अनदेखा नहीं कर सकते। आप एक कार्य कीजिए, इन सारे पात्रों को संभाल कर रख दीजिए। हो सकता है कि ये सब स्वर्ण में परिवर्तित होने में थोड़ा समय ले। जी महाराज, और इस पत्थर का क्या करना है महाराज? ये पत्थर हम रख लेते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। छठी इंद्री सक्रिय हो गई है। पंडित रामकृष्ण अंदर ये जो प्रपंच है रच रहा है, उसके पीछे अवश्य उसकी कोई योजना है। वो हमें धोखा देकर यहाँ से पलायन करना चाहता है। सत्य कह रहे गुरुजी आप, किंतु रामा के बस की बात नहीं, आप जैसी लोमड़ी को चकमा देना। हमें लोमड़ी का राजपुरोहित तथाचार्य लोमड़ी? गुरुजी, चतुराई का उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। चतुर तो हम हैं, नहीं जानते थे क्या? अब जान गए? जान गया। शारदा, अपना सब सामान बांध लो, अवसर देखकर हम विजयनगर से पलायन कर जाएंगे। नहीं मनी, देखा देखा, इनकी पलायन करने की योजना है। गुरुजी, ऐसा कीजिए, अब यहीं रहकर प्रतीक्षा कीजिए, हम जाते हैं, हमें निद्रा आ रही है ना। गुरुजी, उन्हें पलायन मत करने दीजिएगा, हम प्रातः आपको मिलेंगे। शुभ रात्रि। ठीक है। ए मूर्खो, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ले रुको, हमारे साथ और पहरा दो। जाओ यहाँ। अच्छा।
सुप्रभात गुरुवर। सुप्रभात। ये लीजिए दातुन। क्यों? क्यों? आप प्रातः दांत स्वच्छ नहीं करते? हाँ। धनी मनी। हाँ तो क्या 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 कह रहे थे आप? आप प्रातः दांत स्वच्छ नहीं करते? करते हैं? अवश्य करते हैं, क्यों नहीं करते? अच्छा तो आप दांत स्वच्छ कर लीजिए, मैं दूध मंगवाता हूँ। नहीं नहीं दातुन, तो हमने रात को ही कर लिया है। और सिर्फ केवल दूध ही आ रहा है और कुछ नहीं। शुद्ध घी में कचौड़ियाँ भी बनवाई हैं विशेष रूप से आप लोगों के लिए। आपने समस्त रात्रि यहाँ पहरा दिया, आपके कारण मेरा पारसमणि सुरक्षित रहा। हाँ क्या? नहीं नहीं वो हम सुबह जब वो हम सैर के लिए जा रहे थे तो सैर करते करते दूर चले गए तो वापस लौट रहे थे तो क्लांत हो गए तो यहाँ सुस्ताने के लिए बैठ गए तो निद्रा आ गई। अच्छा तो मैं दूध और कचौरी के लिए मना कर देता हूँ। नहीं नहीं मना क्यों करेंगे, वो आने दीजिए हम खाएंगे। वैसे पंडित रामकृष्णा आप स्वस्थ लग रहे हैं। हाँ, अरे नहीं अभी कहाँ गुरुवर, प्रतीत होता है आज दरबार नहीं आ पाऊंगा। चलिए कुछ और अल्पाहार का प्रबंध करता हूँ। हाँ अरे पकड़ो अकाल पीड़ितो, दूध ला दो कचौड़ी ला दो। दूध कचौड़ी खाओगे? खाएंगे। चुप, मूर्ख कहेंगे, भोजन नहीं देखा कभी। चलो हमारे साथ चलो, हमें महाराज को इस पंडित रामकृष्ण के विषय में सूचित करना है। चलो महामंत्री जी। महाराज पंडित रामकृष्ण कहीं दृष्टिगत नहीं हो रहे? महाराज पंडित रामकृष्ण शीघ्र ही दरबार में उपस्थित होंगे। महाराज की जय हो। महाराज पंडित रामकृष्णा ने संदेश भिजवाया है कि वो आज राजदरबार में उपस्थित नहीं हो सकते, उनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है। महामंत्री जी यदि पंडित रामकृष्ण स्वयं नहीं आ पा रहे तो उनसे पारस मणि को जागृत करने का मंत्र पूछ लीजिए। जी क्या महाराज? कुछ नहीं, आप बैठिए, हम स्वयं पूछ लेंगे जब वो आएंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। महाराज पंडित रामकृष्णा पूर्णतः स्वस्थ हैं। जी हाँ महाराज, और अपने घर में बैठे गर्मा गर्म दूध और शुद्ध घी में बनी कचौड़ियां ग्रहण कर रहे हैं महाराज। और हमें अंदेशा है कि पकवान खाकर वो अपने परिवार सहित विजयनगर से पलायन करने वाले। क्या पलायन? जी महाराज। हम कुछ समझ नहीं पा रहे गुरुवर, विस्तार में बताइए। महाराज गत रात्रि हम स्वयं पंडित रामकृष्ण के घर की निगरानी कर रहे थे। नहीं महाराज कर नहीं रहे थे, करवा रहे थे, अन्यथा वो गत रात्रि पलायन कर जाते। महाराज हमारा आपसे अनुरोध है, अभी इसी क्षण सैनिक भेजिए और पंडित रामकृष्ण को पकड़ लीजिए। महाराज ये पंडित रामकृष्ण स्वयं दरबार में नहीं आने वाला है। महामंत्री जी। महाराज आप स्वयं जाइए पंडित रामकृष्ण के आवास पर कुछ सैनिकों को लेकर और उन्हें यहाँ पर लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज पंडित रामकृष्ण का परिवार राजदरबार में आने की अनुमति चाहता है। उन्हें ससम्मान आने दिया जाए। पंडित रामकृष्ण का परिवार डर गए, स्वयं आ रहे हैं। प्रतीत होता है वो पारसमणि लेकर आए हैं। पारसमणि तो इतना सा पत्थर था, ये इतना बड़ा बक्सा क्यों उठा कर लाए? गुरुजी
प्रतीत होता है कि पंडित रामकृष्ण के पास पारस मणि का पूरा पर्वत है। प्रणाम महाराज, अम्मा भी प्रणाम कर रही हैं। प्रणाम अम्मा जी, प्रणाम शारदा देवी। पंडित रामकृष्ण स्वयं उपस्थित क्यों नहीं हुए? अब वो उनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है। झूठ महाराज, झूठ बोल रही है ये महाराज। हमें ज्ञात है कि पंडित रामकृष्ण क्यों नहीं आए, वो स्वयं से लज्जित है महाराज। आपके समक्ष उपस्थित होने का साहस नहीं जुटा पाए। अब इतनी बहुमूल्य वस्तु जो छिपाई है आपसे महाराज, ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते हमने आपको सूचित कर दिया, अन्यथा पंडित रामकृष्ण ये पारस मणि लेकर विजयनगर से पलायन कर जाते। महाराज, रामा ने आपके लिए पारस मणि भिजवाया है, इसमें है। उन्होंने पारस मणि के साथ एक संदेश भी भिजवाया है, आपकी अनुमति हो तो। अवश्य, अनुमति है। उन्होंने कहा है कि आपको उनमें और पारस मणि में से किसी एक को चुनना होगा। अगर आपने पारस मणि को चुना तो रामा विशेष सलाहकार का पद त्याग कर विजयनगर से सदैव के लिए चले जाएंगे, परंतु अगर आपने उन्हें चुना तो आपको पारस मणि कभी नहीं मिलेगी। पंडित रामकृष्ण का इतना दुस्साहस, महाराज को धमकी देते हैं? नहीं नहीं गुरुवर, ये धमकी नहीं, विनती है। महाराज को दोनों में से एक विकल्प चुनने का अवसर है। महाराज, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम ये बक्सा खोलें? हाँ, तुरंत तुरंत खोलिए 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 महामंत्री, खोलिए। एक क्षण रुकिए महामंत्री जी। महाराज आप विलंब ना कीजिए, यदि पारस मणि आपके पास आ गया तो विजयनगर सदा सदा के लिए खुशहाल हो जाएगा। धन धान्य की अल्पता नहीं होगी महाराज, और उसके पश्चात इस पंडित रामकृष्ण की क्या आवश्यकता। रामकृष्ण भी विचित्र खेल खेलते हैं, दुविधा में डाल दिया है हमें। दुविधा? दुविधा किस बात की महाराज? पारस मणि हमारी समस्त दुविधाओं का हल है महाराज, और आपका सौभाग्य, विजयनगर का सौभाग्य आपके समक्ष है। महाराज आगे बढ़िए और विजयनगर के सौभाग्य को बक्से से निकालने का आदेश दीजिए महाराज। महाराज अपना निर्णय सुनाइए। उचित है, हम निर्णय ले चुके हैं। हमें पारस मणि नहीं, पंडित रामकृष्ण चाहिए। अब शीघ्र कीजिए, इस पारस मणि को यहाँ राज दरबार से निकाल लिया जाए, अन्यथा कहीं हमारा विचार बदल ना जाए। मंत्री भाई। जो आज्ञा महाराज। कृष्णा
फिर श्वास लेने में कितना कष्ट हो रहा था, कितने समय से अंदर था, मेरे प्राण निकल जाते तो। अरे हमने थोड़ी ना कहा था आपको बक्से में बंद होने के लिए। पहले तो मैंने कार्य शीघ्र संपन्न करने के लिए कहा था ना। पंडित रामकृष्ण,